कंडीशन आप मानो कि एक्सरे में हड्डी जुड़ती हुई दिख तो रही थी पर हिलना डुलना बंद नहीं हुआ था। अनिल गुप्ता एक ऐसा नाम जिसके बारे में झार आयुर्वेदा के लगभग हर एक व्यक्ति को पता है। कारण यह है कि सामान्य तौर पर किसी भी व्यक्ति का इलाज 2 महीना 4 महीने 6 महीने तक चलता है, पर इनका इलाज चला था लगभग 8 से 9 महीने। और दूसरी चीज की किसी भी व्यक्ति का अगर मेडिसिन के टर्म्स में बात किया जाए तो 5 मेडिसिन 7 मेडिसिन 10 12 मेडिसिन तक चलता है। इनका मेरे ख्याल लगभग 14 मेडिसिन तक काम चला। इसके अलावा जो सोचने की चीज है वो ये है कि 2-2 3-3 ऑपरेशन के बाद भी अगर हड्डी हिल रही हो और उसके बावजूद भी अगर कोई आप पर विश्वास करे कि सर अभी भी हमें ऑपरेशन तो नहीं कराना है, हमें नॉर्मल मेडिसिन से ही हड्डी को जोड़ना है, और खुश नसीब भी देखो कि ये चीज कंप्लीट तरीके से ठीक होती है, और यकीन मानो ये संभव था, थोड़ा समय लगा पर ये संभव हुआ लगभग 8 से 9 महीनों में। तो हम आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल था कि भाई साहब उनका शुरू से लेकर के आखिर तक का किस प्रकार से इलाज चला, उनका क्या कंडीशन था, कैसा था, ये आप एक बार बताओ तो ज्यादा बेहतर होगा। तो अनिल भाई रहते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और अगर इनके काम के बारे में बात किया जाए तो ये एक ड्राइवर है जिनका काम दिन भर में मेरे ख्याल से लगभग 12 से 14 घंटा गाड़ी चलाना होता है। इनका फ्रैक्चर होता है मई 2022 में और उसके बाद टिबिया फिबुला की फ्रैक्चर थी। सबसे पहले ऑपरेट कर रॉड लगाया गया, कुछ समय बाद हड्डी नहीं जुड़ी, दोबारा ऑपरेशन किया गया, प्लेट लगाया गया, फिर इन्फेक्शन हुआ, हड्डी फिर भी नहीं जुड़ी, फिर इन्फेक्शन हो गया। अब डॉक्टर का कहना था कि इनको रॉड प्लेट जो भी है उसको हटा करके फिक्सेटर लगा दिया जाए, तो इनको फिर एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाया गया, उसके बावजूद भी हड्डी नहीं जुड़ी। फिर इनको अगला सजेशन था बोन ग्राफ्टिंग किया जाएगा और दोबारा से प्लेट लगाया जाएगा, पर समस्या ये थी कि जब जब ये ऑपरेशन करवा रहे थे इन्फेक्शन हो जाए। तो अब इन्होंने डिसीजन लिया कि ना रॉड लगेगी ना प्लेट लगेगी और ना बोन ग्राफ्टिंग होगी। इन्होंने क्या किया, सारा चीज हटा दिया और नॉर्मल घर पे वो बैठ गए और कैल्शियम वगैरह के टेबलेट्स लेते रहे। अब समय था दिसंबर 2022 का जब इनसे बात हुई थी अखिलेश भाई की। अखिलेश भाई से इन्होंने बात किया, आप सब उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनसे बात हुई, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इस कंडीशन में अगर हो तो झार आयुर्वेदा एक बार ट्राई कर सकते हो। तो हमारी बात हुई इनसे कि किस तरीके से इनका कंडीशन है। 2-3 प्रॉब्लम्स थी, पहला हड्डी लगातार हिल रहा था और चलना फिरना बहुत बेहतर तो नहीं कर पा रहे थे, वॉकर से चलना फिरना करते थे, मेरे ख्याल से पैर टांग के चलते थे। इलाज शुरू होता है दिसंबर 2022 में, जिनकी वीडियो आई थी उस वक्त, इनकी 2 वीडियो अब तक आ चुकी है, एक 15 दिसंबर 2022 में और दूसरा अगस्त 2023 में। इन्होंने औषधि लेना शुरू किया, मेडिसिन लगाना शुरू किया और लगभग 1 महीने के बाद साधारण तरीके से, जैसा कि सबको पता है हम 1 महीना मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद एक्सरे करवाते हैं, तो उनका एक्सरे कराया गया। एक्सरे में हड्डी पहले से तो ग्रोथ दिखी पर समस्या यह थी कि हड्डी का हिलना अब भी कम नहीं हुआ था। हमने ट्रीटमेंट आगे बढ़ाया, लगभग 2 महीना 2.5 महीने के बाद हम दोबारा एक्सरे करवाए। कंडीशन आप मानो कि एक्सरे में हड्डी जुड़ती हुई दिख तो रही थी पर हिलना डुलना बंद नहीं हुआ था। इसी बीच फिर से इनकी बात होती है, अखिलेश भाई से हमारी बात होती है, तो हमारा बात जनरली यही होता है कि हड्डी जुड़ तो रहा है पर हिलना बंद नहीं हो रहा है। अब आप अखिलेश भाई की, अनिल भाई, इन दोनों का विश्वास आप देख सकते हो झार आयुर्वेदा में। इन्होंने डिसीजन लिया कि हम इलाज को जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारी हड्डी नहीं जुड़ जाती, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के। इलाज कंटिन्यू रखा और इस बीच अनिल भाई को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहे अखिलेश भाई, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं कि अनिल जी को ठीक होने में जितना हाथ झार आयुर्वेदा का था उससे कई गुना ज्यादा मेहनत और हाथ रहा होगा अखिलेश भाई का, जो बीच बीच पर इनको कॉल करके इनको मोटिवेट करते रहे। इनको लेकर के वीडियोस आप उनके चैनल में भी देख सकते हो। इस तरीके से इलाज चलता रहा, फिर लगभग 10 से 11 मेडिसिन हो गए, हड्डी का हिलना फिर भी बंद नहीं हुआ। मेडिसिन चलता रहा, इलाज वो लेते रहे लगभग 10-11 मेडिसिन, यानी लगभग 6-7 महीने तक हड्डी तो जुड़ रही थी ठीक ठाक लेकिन हिलना नहीं बंद हो रहा था। अब उनको एक नया चीज शुरू किया गया, उनको ये बताया गया आयुर्वेदा की तरफ से कि आप सब कुछ ठीक है, चलना फिरना करते रहो, कुछ मत रोको, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप लगभग 1 से 1.5 महीने के लिए एक बेल्ट लगा लो। तो उनको फिर सुझाव दिया गया एक बेल्ट का, उन्होंने बेल्ट लगाया और ये सब करते करते लगभग 13 मेडिसिन तक हम पहुंच चुके थे और समय था जुलाई अगस्त 2023 का। उसके बाद बेल्ट लगाने के लगभग 1 महीने बाद वो दोबारा एक्सरे करवाते हैं और इस एक्सरे में आप यकीन मानो उनकी हड्डी हिलना बिल्कुल बंद हो चुकी थी, या फिर यूं मानो कि लगभग लगभग 90 से 95% तक हड्डी का हिलना कम हो गया था, बंद हो गया था और कैलस पहले से बहुत अच्छा दिख रहा था, लगभग 95-90% तक कैलस भर चुका था। पहला 1 महीने के बाद जब उन्होंने एक्सरे कराया तो उनका चलना फिरना वॉकर से ठीक ठाक हो जाता था। फिर लगभग 8 मेडिसिन 9 मेडिसिन तक जब वो पहुंचे, लगभग 4-5 महीने तक उन्होंने फिर स्टिक से चलना शुरू किया था और जैसे ही उन्होंने बेल्ट को हटाया लगभग महीने भर बेल्ट यूज करने के बाद, वर्तमान स्थिति उनकी ये थी उस वक्त
बिना किसी सपोर्ट के बहुत अच्छे तरीके से वो चल फिर रहे। वर्तमान कंडीशन आपको क्या कहें, आप ये वीडियो में देख सकते हो किस प्रकार से उनका चलना फिरना पहले क्या था अभी क्या था, आप क्लियर तरीके से ये चीज समझ सकते हो। अब वो सीढ़ी चल लेते हैं, बाइक चला लेते हैं, गाड़ी चला लेते हैं, बड़ी गाड़ियां भी बहुत आराम से वो चला पा रहे हैं, आप देख सकते हो ये चीज अपने से। सीखने की चीज ये है, देखो हड्डी अगर टूटी है तो हड्डी तो जुड़ जाएगी, बट जरूरी ये कभी नहीं होता है कि अगर बाकी लोग का एक महीना डेढ़ महीना दो महीना में जुड़े हो तो हमारा भी ठीक एक से डेढ़ महीना में जुड़ जाएगा, जैसे अनिल जी के केस को आप देख सकते हो। सिर्फ एक चीज जरूरत रहता है कि आप संयम बरते रहें, आप विश्वास जताए रहें, जहां से भी आप इलाज ले रहे हो उन पर आपको विश्वास जताना होगा जब तक कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाओ। तो बस इसी के साथ हम आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब आप सबसे ये गुजारिश है, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिन्होंने इनकी पहली दो वीडियोस देखी हुई है या फिर जिन्होंने इनके बारे में कुछ भी नहीं जाना हो, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्रयास लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो ध्यान रखें अपना और अपनों का, तब तक के लिए नमस्कार।